टीवी के खास कार्यक्रम आध्यात्म में आज हमारे साथ हैं कथावाचक कीर्ति किशोरी जी। कीर्ति किशोरी जी मथुरा से जुड़ी हुई हैं। आज हम उनसे अध्यात्म से जुड़ी जिज्ञासाओं के बारे में बात करेंगे कि वो अध्यात्म में कैसे आई और कैसे उनका लगाव हुआ। तो ये आपका आगरा में बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राधे। आपका अध्यात्म से जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आपका आना हुआ इसलिए? विशेष रूप से तो यही कहना चाहेंगे कि मेरा जन्म ही ब्रज में हुआ है, ठाकुर जी की कृपा है। ब्रजमंडल अपने आप में धर्म क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र कहिए, एक ऊर्जा का जो स्रोत हमारे मानव जीवन में, आध्यात्म को जिस तरह से माना जाता है, कदाचित हम अपनी भोजन द्वारा, जल द्वारा शारीरिक भूख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक जो तृप्ति है, जो आध्यात्म से ही जो पूर्ण होती है, तो उस आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं हम भगवत भक्ति के माध्यम से और धर्म के माध्यम से, अपने इष्ट आराध्य के माध्यम से ही तृप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि जन्म ब्रज नगरी में, ठाकुर जी की नगरी में, और वहीं से अपने परिवार से भी और बस भक्ति मार्ग में जुड़े हुए संतों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में कहिए लगाव और बस आना हो गया। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी कहिए, विशेष रूप से ठाकुर जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे गुरुदेव और पूज्य संत श्री कुंडल कृष्ण जी महाराज निकुंजवासी, जिनका मुझे सानिध्य रहा जीवन में। तो आप ब्रज के माने हुए एक बहुत ही दिव्य विभूति संत रहे, जिनके सानिध्य से मुझे भागवत की दिव्य प्रेरणा, ये हृदय में भाव आया कि कह लीजिए कि एक मेरे माध्यम से यदि ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं, तो जब तक जीवन है, जन्म है, उस कार्य को मैं आगे बढ़ाती रहूंगी। और यही ध्येय है कि जितना हो सके अधिकाधिक भगवत नाम के प्रचार के माध्यम से जनमानस में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। कितने समय से आप इस लाइन में? 2004 से आज तक का सफर चल ही रहा है और यथावत। युवाओं के लिए कुछ ऐसा संदेश, क्योंकि युवाओं के पास आज समय नहीं है, उन्हें नहीं पता किस दिशा में जाना है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो भटकाव आ रहा है जीवन में, संस्कारों की विहीनता भी, कहीं ना कहीं हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए कि आज पाश्चात्य की संस्कृति पे हम इतने आकर्षित होते जा रहे हैं। परिवार का अपने आप में एकाकी होना, एकाक ये विघटन जो आया है परिवार का, वह भी है। तो युवाओं को कितना भी आप भटकिए, आप कहीं भी चले जाइए, जो एक परम शांति है, जो आत्मिक शांति है, वो कहीं संसार में नहीं मिलेगी, लौट कर यहीं आना होगा। और ये भी देखते हैं जो पाश्चात्य जो लोग हैं आज, वो कितना इस धर्म क्षेत्र से जुड़ कर के अपनी आत्मीय शांति के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो मैं तो जो भारतीय कहिए और विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, उनसे यही कहूँगी कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि वहीं अपने गुरु की शरण में, अपने बड़ों के साथ बैठ कर के जितना हम इस भटकाव से बच सकते हैं। आज परिवार में बुज़ुर्ग नहीं रहे, बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, हम बड़ों का आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, हम बंधना नहीं चाहते, उसे हम बंधन की तरह से मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अशिक्षा भी है और फिर से आवश्यकता है उन्हीं पुराने संस्कारों की, और इस क्रम को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, बड़ों के साथ बैठें, और परिवार के विषय में भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। तो ये युवाओं को इस ओर सोचना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इस जीवन में सुख है ही नहीं, सुख का कोई पैमाना नहीं है, दुखी दुख है, दुखालय है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सुख और दुख वही है, एक सोच है, एक वैचारिकता है। हम जिसे सुख मानते हैं वो आज हमारा सुख है, पर कदाचित किसी और के लिए वह दुख हो सकता है। एक छोटा सा भाव आ जाता है इस विषय पर। एक संत के यहाँ पे बहुत सुंदर से कार्य होते थे, तो एक सेठ जी ने गौ दान किया और गौ दे करके चले गए कि महाराज ये गैया है, मैं देना चाहता हूँ। संत बड़े प्रसन्न, शिष्य बड़े प्रसन्न हो गए कि गुरु जी गैया आ गई, अब तो हमें खूब दूध पीने को मिलेगा और सुंदर माल मिठाई घी पकवान मिलेंगे। बड़े प्रसन्न, संत भी प्रसन्न, हाँ भैया चलो खूब दूध पान करो और स्वस्थ रहिए। थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ अचानक ही वह सेठ आए, महीने दो महीने बाद, और अपनी गैया को लेकर के चले गए। तो सभी लोग उदास हो गए कि अरे भैया ये क्या कि गऊ माता चली गई और अब तो फिर वही दूध का अभाव हो गया। लेकिन जो गुरुदेव थे वह बड़े प्रसन्न थे, उन पर कोई असर नहीं था। तो शिष्यों ने पूछा, बोले गुरु जी आपको बुरा नहीं लगा? देखिए, पहले तो सेठ जी गैया दे गए थे और फिर कैसे सेठ जी गैया लेकर के चले गए।
तो गुरुजी ने कहा भैया अरे तुम ये देख रहे हो गैया आई, हमें सुख मिला, दूध पीने को मिला, बहुत माल मिठाई पकवान मिले, लेकिन गैया चली गई। बोले अरे उसका जो गोबर कूड़ा होता था उस झंझट से भी तो छुट्टी मिली, उससे भी तो मुक्ति मिली। आप एक चीज़ देखिए, सुख आता है दुख लेकर आता है, दुख आता है पुनः सुख की आस लेकर आता है। यदि दुख ही ना हो जीवन में तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? आप उस दुख को दुख की तरह लोगे तो दुख ही रहेगा, उसमें ही कहीं ना कहीं जो वो सुख छुपा हुआ है उसे ढूंढिए, तो वही जीवन फिर स्वर्णिम हो जाता है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में दो लाइन कुछ पंक्तियां आप सुना दें तो दर्शक भी अच्छा महसूस करेंगे। ठाकुर जी का एक दिव्य प्रेम है, कदाचित आज के परिवेश में तो प्रेम प्यार इसकी परिभाषा को बहुत बदल करके रख दिया गया है, लेकिन वास्तविक जो ठाकुर जी का प्रेम है, राधा कृष्ण के प्रेम की आप यदि बात कर रहे हैं, तो वो इतना दिव्य इतना शाश्वत है कि उस शब्द को बोल पाने की भी हम में क्षमता नहीं होती। रही बात भाव की, तो मैं कहूँ कि राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक है, यह उनका प्रेम सिद्ध करता है। श्री राधा कृष्ण सनेही ये एक प्राण दो देही। इसी में एक बात मैं कहूँ, प्रेम वह होता है कि एक को प्यास लगे और दूसरा जल लेकर आ जाए। जैसे पति पत्नी का एक संबंध होता है, एक भाव होता है, कहते हैं ना कि पति ने पत्नी से जल मांगा, तो ज ल दो अक्षर हैं, जब तक ल कहे तब तक पत्नी जल लेकर आ जाए। हृदय भाव जुड़ाव जिसे मिलना कहते, एक प्राण दो देह, तो ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम हैं, श्री राधा माधव का अटूट प्रेम है। श्री राधा कृष्ण सनेही ये एक प्राण दो देही, ये एक प्राण दो देही, दोनों हैं चित के चोर रे, श्री राधा भानु दुलारी, हरि राधा जुगल किशोर रे, श्री राधा भानु दुलारी, हरि राधा युगल किशोर रे, श्री राधा भानु दुलारी। जय जय श्री राधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। मथुरा में भव्य कॉरिडोर सरकार बना रही है, उसके लिए सारी प्लानिंग कर ली सरकार ने, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ के जो भक्त हैं या वहाँ के जो गोस्वामी भक्त हैं वो बेसिकली ये नहीं चाहते कि वो गलियाँ टूटें और उनमें कुछ जीर्णोद्धार हो उस जगह का। आपका क्या मत है इसमें? देखिए दोनों ही बात हैं, क्योंकि इस समय आवश्यक ये है, सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक जो व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ रही हैं, आपने पिछले वर्ष में देखा कि एक बहुत बुरा रूप सामने आया कि श्रद्धा और आस्था के साथ लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने और किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो जो आवश्यक है वह होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा उसका कोई बहुत बड़ा विरोध भी नहीं हो रहा है, और विरोध फिर वही है कि किन्हीं प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी हों जो दूरगामी हो, दूर तक चलें, और उसमें कई प्रकल्प भी आ रहे हैं, जो भी होगा कहीं ना कहीं किसी हद तक बहुत अच्छा ही हो, ऐसा मैं चाहूँगी कि भैया इस पर तो विचार विमर्श सभी करेंगे जो वर्ग के लोग हैं, तो सामने आ ही जाएगा विशेष रूप से। आजकल बागेश्वर वाले बाबा जी बड़ी चर्चाओं में हैं और आप देख भी रही होंगी, सुना भी होगा, इस पर क्या मत है आपका? देखिए मैंने आज तक कभी ऐसे किसी विषय पर बोला नहीं है, लेकिन हाँ ये अवश्य है, पर्सनली एक उनको मैं कभी मिली नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना ही है, उस हिसाब से यदि ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक आत्मीय शक्ति को हम नमन करते हैं, चाहे वो सच है या झूठ है या उन्होंने क्या सिद्धि की है, भगवान के कितने भक्त हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक दिव्य भाव ये अवश्य है कि वो जो कार्य कर रहे हैं आज के समय में, एक ऐसी क्रांति जो बड़े बड़े लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आज सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार के प्रति कोई शब्द बोलना या किसी और अधिकारी के लिए कुछ बोलना या किसी एक वर्ग के लिए बोलना, किसी जाति पर बोलना, एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत सोचा जाता है। साथ ही यदि सबसे बड़ी बात कि वह सनातन संस्कृति को, जो आपने अभी युवाओं के लिए कहा, आज हमारे भारतवर्ष को, संपूर्ण विश्व को इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम अपने धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, और वह सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार का
कोई भी भाव रहे, तो ये तो मैं अवश्य इसका समर्थन करती हूँ कि सनातन संस्कृति का परिवर्तन जो एक दूसरे कास्ट में जो लोग जा रहे थे उनको ला करके वापस अपने हिंदुत्व से मिलाना ये बहुत बड़ा कार्य है। तो सनातन संस्कृति के लिए मैं अवश्य ये जानती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य है और मैं समर्थन करती हूँ। जो भी है मतलब अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, तो आपका मत क्या है? देखिए सही है मतलब अपनी जगह पे जो जी, जी। बताते हैं भक्तों को बुला के बोलते हैं जी। क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति आपको लगती है कि है उनके साथ? देखिए दोनों ही बातें, यदि हम भगवान को मानते हैं तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, नेगेटिविटी भी है तो फिर ठाकुर जी भी है। जो हमारा दृढ़ विश्वास है, जो आस्तिक लोग हैं वो तो लगभग इस चीज़ को मानेंगे ही, तो इस चीज़ में अब उन्होंने वास्तव में किस हद तक उस सिद्धि को प्राप्त किया है जितना सत्य बताया है, इसमें भी ये कहा जाए कि जिन लोगों का वास्तविक स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, जो सुधार हो रहा है, तो वो तो सत्य ही है। और इसके अतिरिक्त यही मेरा समर्थन है कि सनातन के प्रति यदि कुछ इसके पीछे कोई झूठ भी है, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि किसी अच्छे के लिए बिना किसी का अहित किए, और अब तक की उनकी भावनाओं में ऐसा नहीं लगता कि वो किसी का अहित कर रहे हैं यथार्थ, आगे भी यदि कुछ ऐसा होगा तो वो सामने आ ही जाएगा, लेकिन यदि किसी की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी सनातन परम्परा के लिए यदि कुछ झूठ भी बोला जा रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी का अहित जिसमें नहीं हो रहा है तो वो कुछ गलत नहीं है। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी बनती हैं जिनका लोग विरोध करते हैं, तो हम ये कहते हैं संस्कृति के खिलाफ हैं, लेकिन खुल के विरोध नहीं आता, थोड़े समय तो रहता है ना, कोई कोर्ट में जाता है ना उस पर वो कहता, कुछ समय बस विरोध प्रदर्शन हो जाता है, और तमाम संतों ने भी किया उसको लेके, तो आपका क्या मत है इस? ये इसमें कहीं ना कहीं वही है कि हमारे धर्म पर ही अंदरूनी एक कुठाराघात है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, और हम बहुत लोग विरोध करते भी हैं लेकिन उस पर पता नहीं क्यों अमल नहीं होता, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है, हमारी ही कमी है कि हम भी खुलकर आज बोलने के लिए बहुत कुछ चाहिए लेकिन हम नहीं बोल पाते, तो ये कहीं ना कहीं इस ओर भी कार्य होना ही चाहिए। ये मून न्यूज़ के खास कार्यक्रम अध्यात्म में आज कथावाचक कीर्ति किशोरी जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अध्यात्म से जुड़ी जिज्ञासाओं के बारे में उनसे बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।